औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरे मुसलमान, वक्त तुम्हें जगाने का नहीं बल्कि तुम दूसरों में बात रखने का है। अल्लाह के दीन की बात रखना है, कुरान हक रखना है, ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किया, ईसा अलैहिस्सलाम सुन रहे हैं, ये रखना है। क्रिश्चियनिटी को तुम ख़त्म कर सकते हो। देखो, मैं जोहा विटनेस वालों से बात किया तो वो कहता है कि हम जन्नत का यकीन रखते हैं और जहन्नुम का यकीन नहीं रखते। जहन्नुम नहीं है, जबकि सेम बाइबल पढ़ने वाला कहता है गो टू हेल, जहन्नुम में जाओ कहता है। और ये जोहा विटनेस छोटा सा ग्रुप है, 7-8 लाख, इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा नहीं है ये ग्रुप। यही बाइबल पढ़ने वाला कह रहा है कि जी हम जहन्नुम यानि दोजख है, हेल है, यकीन नहीं रखते, जन्नत का रखते हैं। क्यों? क्योंकि जो है इंसान मरने के बाद में उसका दिमाग नहीं काम करता, खबर में चल जाता है। अब उसको मैं ये बात बताया कि देख, हर चीज़ अल्लाह ने अपोजिट बनाई। अगर दिन है तो रात है, अगर दिन में रोशनी है तो रात के अंधेरे में अंधेरा है, काला है, स्याही है। और फिर अपोजिट हुआ कि नहीं हुआ? दूसरी बात ये बताई, मर्द और औरत, फीमेल मेल, ये अपोजिट है कि नहीं? देख, और एक बात मैंने उसको बताई कि देख, एक अंगूर है, उसमें एक में दाना है, अंगूर में दाना है, बीज है, और एक बेदाना अंगूर है, बग़ैर बीज के अंगूर है। अगर तू समझता है संतरा, ऑरेंज, उसमें भी इसी तरह है, एक में जो है बीज है, सीड है, और एक में बीज नहीं है, सीडलेस है, बग़ैर बीज के, अपोजिट है कि नहीं है? अल्लाह ताला इस वास्ते बताया कि मैं आदम को बिना माँ बाप के पैदा किया। क्रिश्चियन तू सुन, तू अगर होली स्पिरिट कहता है, फादर कहता है, सन कहता है, वो दुनिया में आए थे तो वो सुन रहे हैं, वो दोबारा आना चाहिए, मगर अल्लाह ने क़यामत तक नहीं भेजूंगा कह दिया। मैं कल जो है 34 स्ट्रीट से गुजर रहा था, उसके सामने मैं अक्सर बात की हूँ, और वो मेरे सामने आके कहने लगा मुझे कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है। बस ये सुनना था, मेरे अंदर का फवारा ऐसे ऐसे बरहम हुआ, मैं ऐसे पागल हुआ, ऐसा आतिशविशा जैसे फूटता है फूट गया। हालांकि हराम है इस्लाम में गुस्सा करना, लेकिन मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। जबकि मैं सुबह एक वीडियो देख रहा था अरब का, जो बहुत चीख रहा था। वो हमारे अरब के पास सब्र नहीं था, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया सब्र सब्र सब्र, अल्लाह बताया सब्र सब्र सब्र, सब्र से ही जीत सकते हैं। मगर मैंने कल मैं मेरा जो है तहम्मुल तोड़ दिया। उसको मैंने कहा कि देख, वो बच्चेदानी से निकले, माँ की शर्मगाह से, गंदी जगह, और तू भी शर्मगाह से निकला, गंदी जगह, वो भी माँ के पेट के अंदर, जबकि दुनिया बनाने वाला माँ के पेट में 9 महीने बैठ सकता, क्या सोचो, और तू भी माँ के पेट में 9 महीने बैठ गया। उनको भी माँ है, तेरे को भी माँ है, जो तेरे को जनी उनको भी जनी, उनको भी नाना दादा है जो मरियम को दुनिया में भेजे, नानी और नाना है, सॉरी दादा नहीं है, इस वास्ते कि वो बग़ैर बाप के पैदा हुए, दादी नहीं है उनको बग़ैर बाप के पैदा होने से। माँ के सिलसिले से तू है, तेरे तू भी बच्चेदानी से निकला, वो भी बच्चेदानी से निकले, तू भी गंदी जगह से निकला, वो भी गंदी जगह, तू भी 9 महीने रहा, वो भी 9 महीने रहे, और तू भी खाना खाया दुनिया में, और वो भी तेरे सामने खाना खाए, गोश्त खाए, चावल खाए, रोटी खाए, उन्होंने कुनफे कुन जैसा बना के नहीं खाया तुम्हारे सामने, जैसा मुर्दे को जिंदा करा बोल के जो कराम मौजूदा बोलते, वैसा नहीं था। ऑलरेडी दुनिया के अंदर रोटी और चावल और जो गोश्त था, तरकारी थी, वो खाए तेरे सामने, वो भी बाथरूम गए तेरे जैसा, पाखाना तू भी जाता है, वो भी जाते हैं, वो भी जो है तहारत को जाते हैं, पेशाब को, तू भी जाता है ज़रूरत को। तू अब बता कि खुदाई कहाँ है इनके पास? अगर वो है तो सामने क्यों नहीं आए थे 9/11 के वक्त? या फिर क्रिश्चियन जो है कोई
खुदा बोल रहा, कोई बेटा बोल रहा, एक तू बोल रहा कि जो है तू खुदा है तेरे ही सामने 34 के ऊपर जो है विटनेस वाले वो खुदा नहीं खुदा के बेटे हैं कह रहा, और फिर उसमें भी रूहानी बोल रहा कोई जिस्मानी बोल रहा, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खुतबे ना जूश है ना क्रिश्चन है। मैं रोज नई बात दे रहा हूँ मेरे मुसलमान, इसमें तुमको बता रहा हूँ कि जो है विटनेस वाले अगर सेम बाइबल पढ़ रहे हैं तो दूसरे का कॉन्सेप्ट दोजख का है और इसके पास दोजख का नहीं है। सोचो क्या एक किताब ऐसा अपोजिट दे सकती। हम मुसलमान जो कुरान पढ़ते हैं चाहे हमारे इस्लाम में से हम खादियानियों को निकाल दिए भी हों, लेकिन वो इस तरह से नहीं कहते कि जी खुदा जो है अल्लाह नहीं है, खुदा जो है भगवान नहीं है, खुदा नहीं, खुदा जो है गॉड नहीं है, ईश्वर नहीं है, नहीं बोलते। वो लोग अल्लाह ही खुदा कहते हैं। अब यहाँ क्रिश्चियनों में ऐसा नहीं है, कोई बेटा समझ रहा, कोई खुदा समझ रहा, गॉड समझ रहा, कोई सन समझ रहा। इस वास्ते एक बाइबल पढ़ने वाला कोई मंदिर टेम्पल है उसका, चर्च की जगह, एक चर्च है, कलीसा बोलते जिसको, चर्च है, एक टेम्पल है, एक किंगडम है उनके पास। इबादत का भी तरीक़ा अलग, गुरूर का भी तरीक़ा अलग, हिमाकत करने का भी तरीक़ा अलग। इस वास्ते अल्लाह ताला कह रहे हैं कुरान में, इंसान को दुनिया में दुनिया चाहिए, आखिरत नहीं चाहिए। बास को आखिरत चाहिए वो तहकीक करेंगे, जैसे मैं हूँ, शुक्र अल्लाह का मैं अमेरिका आया, मुझे हकीकत खुली कि क्रिश्चियनिटी कुछ नहीं है। देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह कहफ़ के जो अगर से तुम यूट्यूब पे जाओगे डालोगे तो सूरह कहफ़ को, तो उसमें पहले हदीस आती कि ऐ मुसलमान 10 आयतें सूरह कहफ़ की पहले पढ़ लो, फिर आखिर की 10 आयतें पढ़ लो जो सूरह ख़त्म होने के वक्त की, तुमको दज्जाल से हिफाजत देगी, एंटी क्राइस्ट से। और ये क्रिश्चियन एंटी क्राइस्ट मुस्लिम समझते हैं, और ये अज़ुबिल्लाह मिन शैतान बिस्मिल्लाह रहमान रहीम बोलते, और ये जो है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम में देखो अल्लाह मेहरबान है रहम करने वाला है, ये नहीं समझना चाहते। इतनी बड़ी बात सिर्फ कुरान कह रही है मेहरबान अल्लाह करम करने वाला है, और इतनी बड़ी बात कुरान पढ़ने से पहले हम करें अज़ुबिल्लाह मिन शैतान बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये जू और क्रिश्चियंस भी नहीं बोलते। मेरे भाई कुरान अल्लाह ने दी जिब्राइल के ज़रिए, और क्रिश्चियनों ने बाइबल दी वो 40 इंसानों ने लिखे जबकि ईसा अलैहिस्सलाम मौजूद नहीं है, और अल्लाह ने इंजील दी थी उसका हवाला नहीं दी वो लोग इंजील का, उसमें सिर्फ बाइबल बना दिए 40 लोग बैठकर, इंजील का हवाला नहीं दिए, ओल्ड टेस्टमेंट न्यू टेस्टमेंट बोल दिए। उसमें गुमराह करने के लिए तुमको शैतानी एक हथियार है, वो उसका जो है फांसा है जो तुमको फांसने के लिए शैतान का। जब आपको अल्लाह ताला बता रहे हैं कि जी मैंने इंजील दी थी और उन्होंने बाइबल बनाया और उनके बाद मार्मन बनाई उन लोगों ने, फिर एक डायनेटिक नाम की बनाई जो साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से चर्च को बुलाते हैं लोग, अब खाली एक ही लफ्ज़ है तुम इस क्रिश्चियनिटी को ख़त्म करने, अल्लाह ने ईसा को पैदा किया, ईसा अलैहिस्सलाम नहीं थे मौजूद, कोई निशानी नहीं है तौरात में और ज़बूर में, जूश गवाह है यही है, और जूश एक्सेप्ट भी नहीं करेगी ईसा अलैहिस्सलाम गवाह है, और जूशों को जो है मात देने के लिए अल्लाह ताला बोला इस इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वक्त में ना तो क्रिश्चियनिटी है ना तो जूशिज़्म है, बताया। मेरे भाई बहुत बड़े दर्द है दुनिया में, जब एक बाइबल को एक जो है एक तरीके से समझ रहा और उसको समझ रहा खुदा नहीं होता ये बेटा है, और एक समझ रहा बाइबल को जीसस ही खुदा है, और एक समझ रहा बाइबल को ही होली स्पिरिट फादर एंड सन, सोचो। और उसके बाद वो कभी नहीं आए, क्यों नहीं आए, अल्लाह ने कहा मैं ईसा को क़यामत तक नहीं भेजूँगा, अल्लाह ने डिक्लेयर कर दिया मैं सिर्फ इस्लाम कबूल करूँगा, अल्लाह ने डिक्लेयर कर दिया कि जी मैं सिर्फ इस्लाम कबूल करूँगा। अल्लाह का जो फरमान है कुरान के अंदर अल्लाह कह रहा है ये दूसरे लूज़र्स है, सारे लूज़र सुन रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो या सिख हो या क्रिश्चियन हो या यहूदी हो, सब लूज़र सुन रहे हैं। अल्लाह का हुक्म चारों तरफ गूंज रहा, आयत पढ़े जा रही, कुरान पढ़ा जा रहा, और जो है नमाज में सलाम में और जो है चलते फिरते पढ़ने वाला तिलावत कर रहा कुरान की,
और जो है चलते फिरते लोगों से डिस्कस भी कर रहा, उन्हें बता रहा अल्लाह का कलाम जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए आया और ये बाइबल 40 लोगों ने दी। अल्लाह मेरी इन बातों का दर्द दूसरों तक पहुंचाने के लिए हमें यूरोप में लड़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी से नौजवान जो गलत तरीके से जा रहे उनको बचा सके, सिर्फ सब्र से दावत देना है। अगर सब्र तुम में नहीं है तो जो है इतना तो करो कुछ कि जो है इतना बताओ कि अल्लाह ने ईसा को पैदा किया ईसा अलैहिस्सलाम से। अगर तुम में सब्र नहीं है तो बताओ ईसा अलैहिस्सलाम ने वो बाइबल नहीं दी। दो ही बातों से क्रिश्चियनिटी ख़त्म है, मेरा चैलेंज है अगर गौर करके समझने वाला जिसको आखिरत चाहिए, क्योंकि अल्लाह बता रहे हैं कुरान में बाद लोग दुनिया मांगते हैं और दुनियावी नज़रिए वाला यही होता है कि बस ईसा अलैहिस्सलाम मुझे जो है जन्नत का रास्ता है बोले मेरे पास आओ मैं तुमको जन्नत का रास्ता। वो इसराइल के लिए था, सारे इंसानियत के लिए नहीं। हिंदुज़म नहीं रहता था, बुद्धिज़्म नहीं रहता था दुनिया में। सोचो मैं क्या कह रहा हूँ। मेरे भाई मेरी बातों का दर्द रखो, कल तुम्हारा फ़ायदा होगा और तुम दूसरों तक पहुँचाओगे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह दूसरा भी जो है जन्नत में आएगा, वरना जन्नत जहन्नुम भर दी जाएगी, जन्नत खाली रहेगी। अगर कोई है मुसलमान कोई आँच उसको ना लगे दूसरे मेरे भाई को, कोई आँच उसकी जो है उसको झुलसा ना दे, मैं उसको बचा लूँगा। ये दर्द अगर तुम्हारे में आ गया, यूरोप में आज हमको ज़रूरत है। आज देखो बिल क्लिंटन की बीवी हिलारी क्लिंटन बीमार सामने आ रही औरत है, यहाँ के मर्द औरत से हार गया बोलेंगे डोनाल्ड ट्रंप को, उसको जिताने की कोशिश करते हैं। यहाँ अमेरिका में यही है, औरत से मत हारो कहते हैं, अगर कोई पंच मारता है तो यू नो यू आर पंच लाइक ए वुमेन बोलते हैं, तेरा मुक्का जो है औरत की तरह है, इस तरह बताते हैं, इतनी खदर गिराते हैं औरत की और फिर कहते हैं इक्वालिटी की बात करते हैं। और ये जो है गोरा है डोनाल्ड ट्रंप और फिर मर्द है उसका साथ न दे दे, खुदा ना खास्ता तुम्हारे सामने वो जो है सदर बन के ना आ जाए। मैं जो बात दिया तुमको जो है कमज़ोर कर देंगे क्रिश्चियंस को अगर तुम बता, और मैं चलते फिरते ही बता रहा हूँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वक्त में न ज्यूइशिज़्म है न क्रिश्चियनिटी, और फिर ये चैलेंज ज्यूइशिज़्म और क्रिश्चियनिटी के बाद आया अल्लाह एक्सेप्ट ओनली इस्लाम। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर।